आप जानते हैं कि 50% से अधिक स्मार्टफोन यूजर अब अपनी अगली डिवाइस अगर लेना चाह रहे हैं तो वो लेना चाह रहे हैं 5G डिवाइस। कनेक्टिविटी के लिए अब हर एक आदमी 5G डिवाइस ढूंढ रहा है। तो मैं एक ऐसी ही डिवाइस आप सभी के साथ में लेके आया हूं जिसका नाम है कैमन 30 2024, जिसमें आपको ये सारे के सारे फीचर मिलने वाले हैं। अगर आप सभी को जानना है इसके बारे में तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आप देख रहे हैं अमान टेक वर्ल्ड, मैं जाफर खान, चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू अमान टेक वर्ल्ड चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टेक्नो कैमन 30 5G डिवाइस से रिलेटेड जानकारी, जिसे 2024 में सर्वश्रेष्ठ मोबाइल के तौर पे माना जा रहा है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ 5G डिवाइस के तौर पे इसे माना जा रहा है। इस मार्केट में टेक्नो 30 5G इस कंपटीशन में खड़ा है कि आप उसे देखना चाहेंगे, उसके बारे में जानना चाहेंगे। बात करें 5G डिवाइस से रिलेटेड, तो यहाँ पर अगर 5G डिवाइस से रिलेटेड बात करना हो तो इतने सारे ऑप्शंस हैं कि सर दर्द हो सकता है इसको समझने के लिए। बट यहाँ पर हम आपके लिए बैठे हैं, आपको बताने वाले हैं कि कौन सी डिवाइस आपके लिए बेस्ट हो सकती है और आपके बजट में भी हो सकती है। ऐसी ही एक डिवाइस है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, टेक्नो कैमन 30 5G डिवाइस, जो कि 2024 में लॉन्च हो चुकी है। आप इसे इंस्टॉलमेंट पे या फिर कैश जैसे भी लेना चाहें परचेज कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट पे आप इसे जस्ट 48 रियाल पर मंथ के हिसाब से भी परचेज कर सकते हैं। सो चलिए देखते हैं इस डिवाइस में आपको क्या क्या मिलता है। चलिए देखते हैं इस डिवाइस के कुछ स्पेसिफिकेशन फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर बात करें फिजिकल कैरेक्टरिस्ट की, तो यहाँ पर आपको कलर जो मिलता है लोई एडिशन मिलता है, एंड वाटरप्रूफ की अगर बात करें कि डिवाइस वाटरप्रूफ है कि नहीं, तो यहाँ पर ये 100% वाटरप्रूफ है, प्रिंट मिल जाती है, एंड साथ ही आपको मिलता है फेस आईडी भी। अगर बात करते हैं प्रोसेसर की, तो यहाँ पर प्रोसेसर कोर में आपको मिलता है ऑक्टा कोर, एंड प्रोसेसर स्पीड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 2x2.2 GHz प्लस 6x2 GHz आपको मिलता है। अगर बात करते हैं बैटरी की, जो कि आज के टाइम पर सबसे ज्यादा जरूरी है, तो बात करते हैं बैटरी की, तो यहाँ पर बैटरी साइज आपको यहाँ पर जो मिलता है वो मिलता है 5000 mAh की बैटरी आपको। साथ में ही अगर यहाँ पर बात करें जो सबसे बड़ी चीज है वो है मेमोरी, और मेमोरी के अंदर यहाँ पर आपको रैम मिल जाती है 8GB रैम, साथ में इंटरनल मेमोरी आपको यहाँ पर 256GB मिल जाती है। इस डिवाइस की डायमेंशन और वेट की, कि आपको ये डिवाइस कितने बड़े की साइज में और कितने वजन में आपको मिलती है, तो यहाँ पर अगर लेंथ की बात करें तो 16.54 सेंटीमीटर की आपको डिवाइस मिलती है। अगर वेट की बात करें तो 199 ग्राम इसका वेट होने वाला है। अगर विड्थ एंड हाइट की बात करें, तो यहाँ पर विड्थ 7.59 सेंटीमीटर, 7.8 सेंटीमीटर आपको मिलता है। अब अगर बात करें कि इस डिवाइस के अंदर आप परचेज करते हैं तो कौन से सॉफ्टवेयर के साथ में आपको मिलता है, यानी कि कौन से एंड्रॉयड वर्जन के साथ में आपको मिलता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यहां पर जो मिलता है वो मिलता है आपको एंड्रॉयड 14। अगर बात करें नेटवर्क की, जो कि सभी लोगों की पसंद हो सकता है 5G डिवाइस, जो भी लोग 50% स्मार्ट यूजर आज के टाइम पे अगर कोई भी डिवाइस परचेज करना चाह रहे हैं या डिवाइस को रिप्लेस करना चाह रहे हैं, तो वो जाना चाहेंगे अपनी 5G डिवाइस के साथ में। उसमें से एक ऐसी ही डिवाइस है जिसे आप परचेज करने के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर कैमरा की, तो जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर अगर रियर कैमरे की बात करें तो यहाँ पर 50 MP OIS प्लस 2 MP डेप्थ प्लस लाइट सेंसर आपको यहाँ पर मिलता है। अगर बात करें फ्रंट कैमरा एंड रेजुलेशन की, तो यहाँ पर आपको 50 MP मिल जाता है। बात करें डिस्प्ले में, तो यहाँ पर आपको स्क्रीन साइज 6.78 इंच मिलता है, प्लस स्क्रीन टाइप की अगर आप बात करते हैं तो फुल HD प्लस AMOLED आपको मिलता है। स्क्रीन रेजुलेशन जो आपको मिलता है वो मिलता है 1080x2436, फ्लेक्सिबल स्क्रीन इसके अंदर आपको नहीं मिलती है। यहाँ पर कि मेमोरी कार्ड आप इसमें इंजेक्ट कर सकते हैं, यानी कि अलग से लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर मेमोरी कार्ड स्लॉट आपको मिल जाता है। एंड डिवाइस बना कहाँ पर है, किस कंट्री में बना है, इंडिया में, बांग्लादेश, कहाँ पर बना है, तो ये डिवाइस आपको चाइनीज की मिल जाती है, मेड इन चाइना मिल जाएगी। सीरीज नेम की बात करें तो यहाँ पर कैमन है, एंड ब्रांड नेम की बात करें तो यहाँ पर आपको टेक्नो की ओर से मिलती है।
NFC इसके अंदर यस अवेलेबल है। अगर चार्जर कंपेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको टाइप सी मिल जाता है। सिम टाइप की बात करें ड्यूल सिम नैनो आपको मिलती है। चार्जिंग पावर यस अवेलेबल है, वायरलेस चार्जिंग अवेलेबल नहीं है। प्लस डिवाइस टाइप की बात करें तो जैसे कि हम बात ही कर रहे थे कि आपको स्मार्टफोन मिलता है तो डिवाइस टाइप में ये स्मार्टफोन कैटेगरी में आता है। कुछ समेटते हुए कैमन 30 2024 के 5G फोन में से एक फोन बनने जा रहा है। ये आपको कैमन 30 2024 में बेहतरीन मोबाइल बनने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये अपने जो भी इसके अंदर फीचर दिए गए हैं जैसे कि कैमरा है या फिर अगर बात करें प्राइस की तो किफायती दामों में से आपको ये मिल सकता है। उससे रिलेटेड यहाँ पर ये डिवाइस आपको 2024 में बेहतरीन मिलने वाली है। पर टेक्नो कंपनी के जो कैमन 30 5G फोन है उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? क्या ये वो फोन हो सकता है जिसके बारे में आप लोग सोच रहे थे? आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना ना भूलें कि आप लोग इसके बारे में क्या सोच रहे थे। अगर ऐसी ही और भी टेक्निकल वीडियो देखना चाह रहे हैं तो आप लोग चैनल पर विजिट करें, और अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब भी आऊं लाइव या फिर अपलोड करूं कोई नई वीडियो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड विद अमान टेकवर्ड।